राम मंदिर का क्रेडिट लेते हैं। साथियों, राम मंदिर इन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर का, बीजेपी ने नहीं। उसके पैसे भी भारत की जनता ने दिए, बीजेपी ने नहीं। इनसे सवाल करिए कि तुम किस बात का राम मंदिर का क्रेडिट मांगते हो। ये इतने घमंडी हैं, ये बोलते हैं हम लेके आए राम लल्ला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। तुम इंसान हो, अपनी औकात मत भूलना। साथियों, रही बात इनके गंदे घटिया तरीकों से इलेक्शन लड़ने की, पर मुद्दा आपका रोजगार का है। साथियों, इन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का, ना मिली युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां। उसके बदले क्या दिया? अग्निवीर की योजना, 4 साल का रोजगार, फिर बेरोजगार घूमना। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनकर अपनाकर रखे, वो सरकार गद्दार है, नहीं है बुलडोजर की सरकार। साथियों, ये लोग राम मंदिर का मुद्दा बनाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ भड़काव भाषण देते हैं। साथियों, अगर हम मुस्लिम और हिंदुओं के बारे में सवाल जवाब करेंगे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा। परंतु जब ये मन से हिंदू मुसलमान के लिए भड़काव भाषण देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे आंखों पे पट्टी बांध कर खड़ा हो। कोई बात नहीं, वोट पड़ने दीजिए, ये बहुजन समाज तुम्हारी औकात दिखा देगा इस पर। इन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमसे सवाल करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, तो हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, तो इनको हम फ्री में राशन देंगे। और ये बड़े चौड़ के बोलते हैं मंच से, बड़े चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ भारत की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया तो कहां से तुम $5 trillion की इकॉनमी बनाने की बात करते हो? साथियों, ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।